हम अक्सर बात मीडिया के पत्रकारों की करते हैं, जिनका झुकाव सत्ता में बैठी पार्टी की ओर ज्यादा दिखाई देता है। यही वजह कि चाहे कितने भी गलत हों, वे तारीफ करना नहीं छोड़ते। आज हम बात जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी की करेंगे। जब अमेरिकन रिसर्च एजेंसी ने दुनिया के 13 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक रेटिंग दी, जिसमें मोदी जी का नाम पहले स्थान पर आया, जिसके बाद अपने प्राइम टाइम में सुधीर रिसर्च एजेंसी की तारीफ करते दिखे, शायद इसलिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पहले स्थान पर रखा था। आपदा में जनता की मुश्किलों को आसान करने वालों को ही सच्चा और राष्ट्रवादी नेता कहते हैं। इसकी पहचान एक नए सर्वे से हुई। अमेरिका की एक रिसर्च एजेंसी ने दुनिया के 13 देशों में सर्वे के बाद उन 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अपनी रेटिंग दी है। ये रेटिंग कोरोना संकट के समय राष्ट्र प्रमुखों के काम करने की क्षमता और उन पर जनता के भरोसे को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55 रेटिंग पॉइंट्स के साथ इस सर्वे में पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर 29 रेटिंग पॉइंट्स के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस लोपेज हैं। आप इन सभी नेताओं को देखें तो इन सब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक कद सबसे ऊंचा नजर आ रहा है और इस पूरे साल प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग औसतन 50 रेटिंग पॉइंट्स के आसपास रही है और दुनिया का कोई भी नेता उनके करीब नहीं पहुंच पाया है। जब कोई विदेशी कंपनी भारत के बारे में कुछ अच्छा बोले तो मीडिया भी उस कंपनी की तारीफ करता है, पर अगर कोई विदेशी संस्था भारत को अपनी रैंकिंग में पीछे कर दे तो मीडिया उस विदेशी संस्था की आलोचना करने लग जाता है। ऐसा ही सुधीर चौधरी ने किया। जब अमेरिकन संस्था फ्रीडम हाउस ने अपने आंकड़े जारी किए तो उन्होंने 100 अंकों में से 67 अंक दिए, जिसका मतलब है पार्शली फ्री, जिसके बाद सुधीर इस संस्था की आलोचना करते दिखे। आज हम एक ऐसी बहुत पुरानी दुकान का विश्लेषण करेंगे जिसके लिए आजादी और लोकतंत्र मात्र एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हर साल रेटिंग का रूप देकर दुनिया भर में बेचा जाता है और बहुत से कमजोर और गरीब देश इन रेटिंग्स को मानने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं। आज हम आपको जिस दुकान के बारे में बताना चाहते हैं, उस दुकान का नाम है फ्रीडम हाउस। नाम बहुत अच्छा है और ये अमेरिका के सबसे पुराने एनजीओज में से एक है और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एनजीओ हर साल दुनिया के दूसरे देशों को यह बताता है कि वहां के लोगों के पास कितनी आजादी है। इस एनजीओ ने वर्ष 2020 के लिए दुनिया के 210 देशों की रेटिंग्स जारी की है और इन रेटिंग्स में भारत को स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में डाल दिया गया है। यानी भारत को एक ऐसा देश बताया गया है जहां लोगों के लिए आजादी लगातार कम हो रही है, लोगों को पूरी आजादी नहीं है। पहले वे एक अमेरिकी संस्था की तारीफ कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मोदी जी को पहले स्थान पर रखा, पर जब दूसरी संस्था ने भारत को अपनी रैंकिंग में पीछे बताया तो आलोचना करनी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।